अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोमा फूड। तो दोस्तों आज हम बनाने चल रहे हैं बहुत ही हेल्थी और रिस्पी नाश्ता जो कि बहुत ही जल्दी बन जाएगा झटपट। तो इसको बनाने के लिए हैं हम एक कटोरी बेसन, उसमें से हम आधा डाल रहे हैं और आज इसी से आधी कटोरी लिए हूँ सूजी बारीक वाली। दोनों को हम पानी डालकर मिला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे पहले, इसमें एक साथ नहीं डालेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना रहें। देखो इसको हम चम्मच से मिला रहे हैं इसे आराम से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पहले मिलाना है इसको। देखो कैसे हम मिला रहे हैं इसको, ऐसे ही मिलाना है इसको, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। अब इसमें हम पानी अभी और डालेंगे, इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं ताकि इसका अच्छा कलर आ जाए। अब इसमें हम पानी डाल दे रहे हैं, इसका बैटर एकदम पतला बनाएंगे हम। इसमें हम कुल एक कप पानी डाली हूँ पूरा भर के। देखो कितना पतला बैटर हो गया इसका, देखो आपको हम दिखा दे रहे हैं, ऐसे ही हमें चाहिए था। अब हम चलते हैं गैस तरफ, गैस को जला दिए, उस पर रख दिए हम कढ़ाई। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई, उसमें हम एक चम्मच, छोटा वाला चम्मच जो होता है उसी से तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल नहीं डालना है इसमें। देखो हम एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं, आप कोई सा भी तेल डाल सकते हैं जो खाते हैं आप। अब इसमें डाल देना जीरा थोड़ा सा, आधा चम्मच जीरा हमारा थोड़ा हो गया। इसमें डाल दें एक चुटकी हींग, इसमें थोड़ा डालेंगे राई के दाने आधा चम्मच यानी सरसों, और थोड़ा कटी हुई इसमें हरी मिर्च डाल दे रहे हैं दो तीन बारीक कटी हुई है ये। इसमें अदरक का पेस्ट डाल दे रहे हैं, आप चाहे लहसुन भी डाल सकते हैं, लहसुन नहीं डाली हूँ। अब इन सब चीज़ों का हम चलाएंगे बढ़िया से, तो हल्का ब्राउन हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे जो बैटर बनाई हूँ गोल कर रखी हूँ। अब इसको हम डाल दे रहे हैं और इसे चलाते रहेंगे, बहुत जल्दी ये बन जाता है। अभी देखना बस चलाते चलाते ही ये अच्छा बन जाएगा डो की तरह। डो सूख गया ये क्योंकि इसमें सूजी है ना, सूजी पानी बहुत ज़्यादा सोखती है। और गैस का फ्लेम मीडियम रखी हूँ, ज़्यादा तेज़ नहीं रखी हूँ। वो तैयार हो गया बन के बेटर हमारा, ये डो की तरह बनेगा भी। अब गैस बंद कर दे रही हूँ, अब इसको हम नीचे उतार ले रही हूँ क्योंकि अभी ठंडा होगा तो थोड़ा और टाइट होगा। देखो इसको हम प्लेट में निकाल लिए, इसमें डालने हम टमाटर एक बड़ा, दो हरी मिर्च, एक बड़ी प्याज और थोड़ा बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। आप इसमें और सब्जियाँ भी डाल सकते हैं जैसे कि गाजर हुई, लाल मिर्च पाउडर डाल दे आधा चम्मच, आप अपने स्वाद मतलब जितना तीखा खाते हो उतना डाल सकते हैं। अमचूर पाउडर, कुटी हुई धनिया डाल देना थोड़ा इसको, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला आधा चम्मच डाल दे रही हूँ इसमें हम, नमक स्वाद के अनुसार आधा चम्मच डाली हूँ। अब इन सब चीज़ों को हम हाथ से मिला दे रही हूँ, अगर चम्मच से मिलाएंगे सही से नहीं मिलेगा, इसलिए उसको हम हाथ से मिला दें ताकि अच्छे से मिल जाए ये। इसको दोस्त ज़रूर बना के खाना दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन बनता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और जल्दी बन भी जाता है। इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दे रहे हैं, बनाना बहुत ही आसान है। इसको हाथ में थोड़ा तेल लगा रहे हैं ताकि हम इसको सही से मसल के रख दें। देखो इसकी टिकिया हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं तेल लगा के, ऐसे बना के देखो रख दिए हम। इसी तरह से एक और हम बना के आपको दिखा दे रहे हैं, एक और टिकिया बना के दिखा दे रहे हैं। दो टिकिया बन गई, इसी तरह से हम सारी टिकियों को बना के तैयार करूँगी।
देखो सारी टिक्कियाँ हमारी बन गई हैं। अब हम फिर से चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर रखे ये हम एक डोसा वाला तावा लिए हैं, इसमें हम डाल दिए हैं रिफाइंड ऑयल। इसमें हम तेल बहुत कम ही लगता है, आप इसको हम इसी में तल रहे हैं थोड़ा तेल डाल के हल्का। इसको जब तक एक तरफ ब्राउन नहीं होगा इसको पलटना नहीं है, देखो एक तरफ इसे घुमा देना ताकि तेल हर जगह पहुंच जाए। देखो एक तरफ पलट दिए हैं, यह हो गए अब दोनों हमारे। अब इसको हम निकाल ले रहे हैं, बहुत बेहतरीन बने हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जो हम नई वीडियो डालें आप तक पहुँच जाए। देखो आपको दिखा रहे पास से कितना मस्त लग रहा है देखने में, खाने में बहुत ही स्वाद आएगा इसको। देखो सारी टिक्की हमारी बनके तैयार हो गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के अल्लाह हाफिज़।